आपको कन्वर्ट करना है मोल को, मोल को कन्वर्ट करना है मैस में, और अगर मैस को मोल में कन्वर्ट करना पड़े, इसी तरह मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में और नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में, एंड मोल को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना हो, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, इनमें से एक ना एक एमसीक्यू जरूर, चाहे आपका ई कैट हो, आप नर्स्ट के लिए टेस्ट दे रहे हैं, आप एमडी कैट के लिए दे रहे हैं, जरूर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले अगर आपने मोल को कन्वर्ट करना हो मैस में और फिर मैस को कन्वर्ट करना हो मोल में, तो मोल का फार्मूला होता है मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। और अगर आपको मोल को कन्वर्ट करना हो मैस में, तो मैस इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मैस। और अगर आपको मोल को कन्वर्ट करना हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिटन विद कैपिटल एन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना हो, तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। देन इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट मोल इनटू वॉल्यूम, तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम जो कि 22.414 डीएम क्यूब होता है। और अगर वॉल्यूम को कन्वर्ट करना हो मोल में, तो मोल को मल्टीप्लाई करना होगा मोलर वॉल्यूम के साथ। और याद रखिए कि किसी भी गैस का एक मोल, किसी भी गैस का एक मोल, लाइक अगर आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एक मोल 32 ग्राम का होता है, तो ये बराबर होगा 6.02 10 रेज की पावर 23, और ये बराबर होगा वॉल्यूम के, मोलर वॉल्यूम के, दैट इज 22.414 डीएम क्यूब। इसी तरह अगर आपके पास कोई और गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर 44 ग्राम होते हैं, तो ये भी बराबर होगा एक मोल के, और वो बराबर होगा 6.02 10 रेज की पावर 23 के, और फिर वो बराबर होगा 22.414 डीएम क्यूब। इंटर कन्वर्जन, इसके सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं, मतलब बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम कहने के, अगर वो कह दे कि कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम है, तो यकीनन ये हाफ मोल होगा, और जब ये हाफ मोल है तो एवोगैड्रोस नंबर भी हाफ हो जाएंगे, 3.01 10 रेज की पावर 23, और वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 11.27 डीएम क्यूब। एंड अगेन रिमेंबर, अगर मैं इसको 1/4 कर दूं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 11 ग्राम कह दूं, तो ये हो जाएगा 0.25 मोल, और ये हो जाएगा 1.5 एवोगैड्रोस नंबर इनटू 10 रेज की पावर 23, और ये वॉल्यूम हो जाएगा 5.6 डीएम क्यूब। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि जो ये जो वॉल्यूम है, ये एसटीपी पर लिया जाता है, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है, और प्रेशर 1 atm होता है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाए, आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस पर किसी एक गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वो 24 डीएम क्यूब होगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। तो मैं आपसे इसके रेलेवेंट एक एमसीक्यू पूछता हूं कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन असल में एक मोल होता है, एक मोल, तो एक मोल का जो वॉल्यूम है वह 22.414 डीएम क्यूब। सोल्व कैसे करने हैं आपने, आप याद रखिए कि आपने मोल्स लेने हैं, तो मोल्स का फार्मूला है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, तो आपके पास इसका वॉल्यूम निकालना है आपने, तो 16 ग्राम इसका मैस होता है और 16 ग्राम ही इसका मॉलिक्यूलर मैस है, मतलब मोल निकालने हैं मीथेन के, तो मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस, तो गिवन मैस 16 है
और मोलर मास भी 16 है, तो 1 मोल। और 1 मोल का मतलब अब आप इसका जब वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल, मोल तो 1 आ गया, इनटू मोलर वॉल्यूम। और मीथेन का मोलर वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब है, तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा मीथेन का वह है 22.414 डीएम क्यूब, करेक्ट ऑप्शन। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं इन 89.6 डीएम क्यूब ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम प्रेशर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो होते हैं 6.02×10⁻³, लेकिन मोल नहीं है आपके पास, तो मोल आप इस फार्मूले से मालूम करोगे, वॉल्यूम ओवर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो आपके पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम गिवन है 89.6 डीएम क्यूब और मोलर वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 22.414 डीएम क्यूब। जब आप इसको तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर है 4, मतलब इसका मोल है 4। तो मोल जब 4 हो जाएंगे और एवोगैड्रोस नंबर 6.02×10⁻³, तो ये आंसर आएगा 24.08×10⁻³। और अगर आप एक पॉइंट को उधर ले जाओगे तो दैट विल बिकम 2.4×10⁻², दिस वन इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर आपका इसके हवाले से, नंबर ऑफ पार्टिकल के हवाले से एक और एमसीक्यू, तो एमसीक्यू है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शंस अल्फा क्या 6×10⁻², बीटा 11×10⁻², चार्ली 12×10⁻², या फिर डेल्टा 1.2×10⁻²। तो मैं सोल्यूशन कराता हूं आपको, देखो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, 2 एटम है, तो उसने कहा कि 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में बताइए, तो आप यूनिटी मेथड से 2 को डिवाइड कर दो 4.4 के साथ, तो आंसर आएगा 0.2 एटम्स। नहीं जी, हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पार्टिकल ढूंढने थे, तो मोल आ गए आपके पास 0.2, और इस 0.2 को आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, दैट इज 6.02×10⁻², और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.2×10⁻², तो दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। देन कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 10⁻³ - 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो ऑप्शन है क्या 1.8×10⁻²⁻² होगा या 1.8×10⁻³ - 3 होगा एंड सो ऑन। तो आपने करना क्या, मास इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो मोल है 10⁻³ - 3 और मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18, तो 18 को 10⁻³ - 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 1.8×10⁻²⁻² ग्राम, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन।